welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me on the show, Sushma. एक दूसरे को जानने पहचान में बड़ा मजा आएगा, but I'm warning you, no naughty questions. मुझे पता है कि आपको naughty questions पूछने की आदत है, but don't you dare ask me, not on television. So anyways, Sushma, शुरू करते हैं about your entry into the glamour world. कैसे सोचा कि हाँ, I have to be there? मेरा ऐसा कोई plan नहीं था, because मुझे glamour world का शौक नहीं था. You know, today I get asked very often, there are girls, they are as young as 16, 14 years, and they always ask me ki, achha, mujhe model banna hai, mujhe Miss India banna hai, what do you think, can you suggest what I can do? And I always tell them that, you know, I mean, they're pretty much asking the wrong person, kyunki mera aisa koi plan nahi tha. अचानक से मेघना वॉज गोइंग फॉर अ शूट एंड मेरा कहना था कि ऑल मॉडल्स आर इडियट्स, आई टू मेक एंडलेस वन ऑफ हर. सो माय सिस्टर सेड, यू नो, व्हाई डोंट यू कम अलोंग, क्योंकि एक शूट है, एक कैटलॉग का शूट था. तो उसने कहा जस्ट कम अलोंग, और जस्ट पॉकेट मनी के लिए जस्ट ट्राई डूइंग अ फ्यू शॉट्स. तो अपनी लाइफ में मैंने, आई हैड नेवर वोन मेकअप, यू नो, डन एनीथिंग टू माई हेयर, एंड अचानक से आई एम इन अ घाघरा, और मुझे ये भी नहीं पता कि घाघरा को कैसे पकड़े, कि मैं कैसे पोज करूँ. तो फिर मैं एट सम पॉइंट ऑफ द शूट आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे ये नहीं करना है, व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर, व्हाट एम आई डूइंग. तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लाइक फोटोग्राफर सेड, ओके, व्हाट कैन यू डू बेस्ट, एंड आई सेड आई कैन स्माइल. ही सेड फाइन, जस्ट स्माइल इन ऑल योर शॉट्स. तो दैट वाज माय लॉन्च इनटू मॉडलिंग. सुषमा, पर एक अश्योरेंस कैसे मिली कि यस, आई कैन बिकम एन एक्टर, और हाँ, मुझे एक्टिंग ही करनी है? लेट मी बैक ट्रैक, क्योंकि सो इन द सेम वेन, जब बीजे का ऑफर आया था विद चैनल बी, द सेम थिंग आई सेड, मी टॉक ऑन टेलीविजन, आई सेड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन, मुझसे नहीं होगा. लेकिन टेस्टिंग करने के बाद, दो तीन बार टेस्ट हो जाने के बाद, दे सेड कि नो, वी वांट यू ऑन बोर्ड, एंड यू नो, वी वुड लाइक यू टू कम ऑन बोर्ड, एंड आई नेवर गिवन इट एनी थॉट. अगेन, यू नो, आज जो है कि एवरीवन इज क्वाइट क्लियर कि अच्छा, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, बट आई हैड नो सच प्लान्स. तो अचानक से आई लैंडेड अप ऑन टेलीविजन, मजा आया, आई वॉज देयर फॉर अ व्हाइल, एंड फिर उसके बाद में आई थॉट कि ओके, यहाँ से आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमारी करियरग्राफ ऐसी है कि हमें कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना है, अदरवाइज यू गेट स्टक एंड यू बिकम स्टैग्नेंट. आप भी बोर हो जाते हैं, ऑडियंस भी बहुत ही बोर हो जाती है, तो यू वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. सो दैट वॉज वन आई टॉयड विद द आइडिया कि क्या सिनेमा करना है, क्योंकि सिनेमा में एक स्टेप लेना, इट्स अ वेरी बिग स्टेप, एंड आई थिंक दैट यू हैव टू रियली गिव इट थॉट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक टेलीविजन, मॉडलिंग के जैसे नहीं है, एंड इट्स नॉट लाइक गोइंग ऑन टीवी. तो आपको बहुत ही सोच देनी पड़ती है कि मुझे ये करना है या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा माइंड सेट का चेंज है, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए इसमें. सो एंड दैट वाज वेयर आई गॉट स्टक. बिकॉज आई फील कि टी वी जो है एक इवॉल्विंग मीडियम है, उसकी रीच बहुत ही बड़ी है, बिकॉज लाइक ह्यूज ऑडियंस टेंड्स टू वॉच इट, लेकिन लोग बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि आप वही जो पार्ट आप निभाते जाते हैं, तो दे गेट फेड अप ऑफ इट. तो या तो आप अपना शो चेंज करेंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा होगा, या यू स्टार्ट चेंजिंग मे बी और लुक ऑफ योर समथिंग नीड्स टू चेंज, अदरवाइज देयर इज नो इंटरेस्ट वैल्यू. एंड आई फाउंड दैट आई हैड रीच्ड सम सॉर्ट ऑफ ए डेड एंड, तो मुझे लगा कि अभी बस हुआ और मैं और कुछ करूँ. सो लेकिन वो और कुछ जो है, इट्स अ वेरी बिग वर्ड कि व्हाट इज द और कुछ. सो एक्टिंग में अश्योरेंस कैसा आया कि यस, यस आई कैन एक्ट इन दिस वर्ल्ड? पहले दो साल पहले देर वॉज नो सच अश्योरेंस, क्योंकि एट दैट पॉइंट टाइम सिर्फ कमर्शियल हिंदी फिल्म थे, एंड देन यू हैड अदर मीडियम विच वॉज आर्ट फिल्म, उसमें कुछ कॉमन ग्राउंड नहीं था. अभी अचानक से द लास्ट टू ईयर्स पूरा सीन बदल गया है, क्योंकि अभी इतने सारे फिल्म है, इतने काइंड एंड जॉनर्स ऑफ फिल्म, और इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, सडनली कॉर्पोरेट हाउसेज इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिल्म का पूरा सीन बहुत ही चेंज हुआ है. तो आज मुझे लगता है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि समवन लाइक मी कुड फाइंड देयर ओन प्लेस इन फिल्म्स. बट बिफोर ऑफकोर्स पीपल वुड से कि अच्छा, आपकी जो हाइट जो है ज़्यादा है, या आपका फेस जो है माइट नॉट बी ए कन्वेंशनल इंडियन फेस, बट आई थिंक टुडे सिनेमा इज ओपन इज डोर्स एंड इट्स ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल.
सुषमा, ये आपके एक्टिंग की बात हो गई, करियर की शुरुआत की बात हो गई, बट नाउ लास्ट की सम रैपिड फायर क्वेश्चंस. यू नो यू आर अ वेरी विकेड गर्ल और आई नो यू आर वेरी नॉटी आल्सो, सो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क मी. ओके, आई डोंट वांट टू से समथिंग ऑन कैमरा, सो बी केयरफुल. सो यू हैव टू आंसर देम रियली क्विकली. सुषमा, शुरुआत करें रैपिड फायर क्वेश्चंस की. ओके ओके, द फर्स्ट वन, द हॉटेस्ट मैन यू मेट. गॉश, इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी वन, क्योंकि इतने सारे हॉट मैन हैं, तो मैं अभी हाउ कैन आई चूज. एक्चुअली आई शुड से दैट इज द हॉटेस्ट मैन आई हैव नॉट मेट. मेरे दो तीन फेवरेट हॉलीवुड एक्टर्स हैं और उसमें विद इन दैट 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 ग्रुप आई वुड से एक तो है जॉर्ज क्लूनी, आई डोंट नो इफ द ऑडियंस मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम, और दूसरा जो है एक एक्टर है वॉकिन फीनिक्स, वो बहुत ही सीरियस हॉलीवुड फिल्म्स करता है. तो आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ देम, और या तो इफ आई एवर गेट अ चांस टू मीट देम आई थिंक आई फेंट बिफोर आई कैन इवन गिव देम यू नो लाइक प्रॉपर हाई हेलो. बॉलीवुड में आई थिंक वन ऑफ द हॉटेस्ट पीपल आई हैव मेट इज सैफ अली खान, आई सेफ, बिकॉज आई थिंक ही इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. एक कॉम्बिनेशन है क्योंकि ही इज़ गुड लुकिंग और बहुत ही खानदानी भी है, यू नो ही इज़ गॉट ऑल दैट ब्रॉट अप. बहुत ही इज़ वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी ऑल्सो, और पिछले दो साल में उनकी जो एक्टिंग की टैलेंट प्रोग्रेस जो है बहुत ही बढ़ गई है, क्योंकि इतने सारे रोल्स कर रहे हैं. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई थिंक ही इज सुपर हॉट. ओके, द हॉटेस्ट मैन यू हैव सीन. लेट मी से दैट ये इंग्लिश में एक फ्रेज है जो 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 हम लोग कहते हैं कि नेवर किस एंड टेल, सो आई डोंट किस एंड आई डोंट टेल. ओके, द वुमन यू विश यू वर एंड व्हाई. आई थिंक मैं एक व्यक्ति से मैं बहुत ही आई थिंक आई एम एनवियस ऑफ हर, आई थिंक इट वुड बी एंजेलिना जोली, क्योंकि आज जो है उसके पास क्या कुछ नहीं है, क्योंकि शी इज गॉट ब्रैड पिट विद हर, साथ में उसके उसकी जो पूरी पलटन जो है, इतने सारे बच्चे हैं. शी डज वर्क फॉर द UN, वो अपने चॉइस के पिक्चर्स में काम करती है और पूरी दुनिया उसके शिट का द वर्ल्ड एट हर फीट, सो आई एम रियली एनवियस ऑफ हर, आई लव टू बी इन हर शूज. ओके, दिस विल बी अ लिटिल ट्रिकी. द मैन यू वुड लाइक टू मैरी एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट एंड व्हाई. सच अ टफ क्वेश्चन, इतनी लंबी लाइन है, व्हाट एम आई सपोज टू से, बट आई थिंक गॉश, आई थिंक हॉलीवुड में भी फेयर शेयर है, बॉलीवुड में भी फेयर शेयर है, एंड आई थिंक Let me think that one through, because maybe I'll think about. अगर पूछा जाए, are you jealous of your sister Samira? If yes, why? No, why? Not at all, because I think तीनों बहन, Meghna भी है, Meghna's mother sister, and there's of course Samira, but not at all, because I feel that we're actually very supportive of each other. हम लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, करते हैं, because I think ये industry is also a tough place to be in. So I think we give each other more support, और of course grooming के tips जो है, समीरा मुझे काफ़ी tips देती है कि अपने आप को groom कैसे करना, because I'm a bit lazy. But otherwise I think no, it's a fairly supportive relationship. और मेरा कहना है कि अगर films जो है industry के जितने भी roles है should go to one of the Reddy sisters. How did you react when you saw yourself first on screen? अच्छा, पहली बार जब मैंने अपने आप को पर्दे पे देखा, it was I'd gone to see Chocolate with my sister Meghna, and Meghna is like a little bandar I call her, क्योंकि Samira को भी पर्दे पे देखते तो नाचती है ऊपर नीचे, मुझे भी देखते तो नाचती ऊपर नीचे, अरे देख, look look look, I'm like please sit down, there are people watching it who have paid to enter and watch this movie, but I think it's a very strange feeling. मेरी दो मेरी एक सबसे बड़ी गलती ये है कि आई डोंट हैव द गट्स टू गो एंड वॉच माई फिल्म एज सून एज इट रिलीजेस, तो आई नॉर्मली गिव अ गैप, मेरा एक बड़ा गैप रहता है ऑफ एटलीस्ट 3 weeks बिफोर आई हैव द गट्स टू गो एंड वॉच, एंड फिर आई सिट इन द कॉर्नर ऑफ द थिएटर और मैं बहुत क्रिटिकल आई से देखूंगी कि ये क्या है, ये ठीक है क्या, लुक कैसा है, ठीक है, यू नो, सो यू आई डोंट थिंक आई कैन वॉच माई ओन फिल्म ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि मैं बहुत जो जिन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोप को साथ लेकर आई टेंड टू लुक एट इट थ्रू दैट, बट आई डोंट हैव द गट्स टू वॉच इट व्हेन इट कम्स आउट, इट्स ऑलवेज 3 weeks आफ्टर, एंड ऑफ कोर्स आई वेंट विद अ फैमिली मेंबर एंड तो उसने कहा अरे अरे देखो देखो, एंड इट फील्स वेरी वियर्ड, आई थिंक इट स्टिल फील्स वियर्ड. ओके ओके, सुषमा, द वन सुपर मॉडल यू वुड लव टू बी एंड व्हाई.
हाँ सुपर मॉडल्स जो है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है वापस, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट आई थिंक डेफिनेटली जितने भी यूरोपियन सुपर मॉडल्स हैं आई थिंक मैं आई एम वेरी वेरी एनवियस ऑफ देम, क्योंकि फर्स्टली उनके जेनेटिकली उनके बॉडीज ऐसे हैं, आई मीन दैट डजंट नीड टू मच वर्क एंड एफर्ट, क्योंकि आप यू नो जस्ट लाइक पीपल रीड अबाउट अस आई रीड अबाउट देम एंड यू ओपन अप अ मैगजीन और फिर एंड देन यू रीड की Giselle eats junk food for lunch, वो कुछ ख्याल नहीं रखती, and I'm like, how do you not take the trouble and have a body like that, you know? So I think it would definitely be the whole new crop of supermodels. I think especially Kate Moss, क्योंकि Kate Moss की जो means इतने सारे scandals भी हुए तो भी public उसको बहुत मानती है, and because of which she's got amazing career earnings, which I think Indian models can only dream of. और इंडियन सुपर मॉडल्स में आई वुड थिंक कि आई फेल्ट दैट यू नो वी हैड सम वेरी ग्रेट मॉडल्स इन द लाइक्स ऑफ एक जो जमाना था व्हेन यू हैव द मेहर जैसियास द मेघना रेड्डीज एंड द मधु सप्रेज ऑफ द वर्ल्ड एंड दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब. आई थिंक ये आज की जितने मॉडल्स जो हैं दे कैन ओनली होप टू बी अ टेंथ ऑफ व्हाट दीज गर्ल्स वर. लेकिन वो जो एक जमाना था जिसका पूरा एथिक अलग था एंड द होल वाइब वाज कंप्लीटली डिफरेंट. आजकल आई थिंक एवरीबॉडी इज अ मॉडल, एवरीबॉडी इज एन एक्ट्रेस. आई गेट शाय टू टेल पीपल कि अरे मैं एक एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि बिकॉज एवरीबॉडी इज हाँ हाँ सब लोग एक्टर्स हैं, सब लोग मॉडल हैं, तो आप में क्या खासियत है. सो आई गेट अ लाइक लिटिल बिट साइड, बट आई थिंक कि द ओल्ड एरा ऑफ इंडियन सुपर मॉडल्स वाज फैंटास्टिक. इफ यू वर अ मैन, हु वुड इट बी एंड हु वुड यू हैव एन अफेयर विद and why and who would you marry and why? Okay, firstly if I was a man why should I have someone separately for an affair and someone separately for marriage? Agar main kisi se pyar karti then I will obviously end up marrying that person. Very bad double standards. I know exactly how your brain thinks, but agar if I had to choose to be a man, I think I'd like to be Bill Clinton and main unki badi fan hoon, of course not for all his problems but for all the good things that he does. मुझे एक मौका मिला recently to hear him speak एक public address में, और he speaks very well, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही सोच के बोलते हैं, very clear speaker and also very very charismatic. I think he's very tall, very good looking, he's a hit with the women, he happened to be a US president, very popular one. और साथ में आई थिंक ही डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क ऑल्सो, बहुत चैरिटेबल वर्क भी बहुत करते हैं, तो वो बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है एंड आई थिंक दैट ही इज वन पर्सन हु आई वुड लाइक टू बी, स्पेशली बिकॉज ही इज अ हिट विद द वुमेन. सो ऑन द अदर हैंड किसके साथ अफेयर करना है, अफेयर मैं क्यों करूँ? आई मीन इट्स लाइक देयर इज अ यू नो लॉन्ग लिस्ट ऑफ अट्रैक्टिव वुमेन, बट अगर If I was a man, I would choose a ideal combination of a woman. I think ki beauty alone, ki sirf acha jo ek roop jo hai, it's not enough because it can be really boring. But I think roop ke saath a good nature, a strong, confident person, and most importantly, you know, somebody who's ambitious or jo apne kaam mein safal ho, I think that's a very sexy combination. That is sexy. So I think I would choose a woman who's like that. And I think aaj there's no dearth of women like that. Itne sare ladies out there who are exactly like this. And if I had to marry someone, good question, I'd marry Angelina Jolie. I think that's it. Sushma, baat karte hain, are you happy being Sushma Reddy or would you trade place with somebody? God, itne sare trick questions. No, I am happy being myself. I think कि अगर सबके लाइफ में सिर्फ अप्स हो और डाउन्स ना हो तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ लाइफ. आई थिंक यू वैल्यू अपने लाइफ में जितने पॉजिटिव इंसिडेंट्स हैं आप उन्हें वैल्यू करते हैं बिकॉज यू हैव नेगेटिव इंसिडेंट्स टू कंपेयर देम टू. सो आई डोंट थिंक आई वुड स्वॉप माई लाइफ विद एनीवन एल्सेस. मेरी लाइफ में भी देयर वर लॉट ऑफ गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, बट आई सी इट ऑल एज अ ग्रेट लर्निंग कर्व एंड मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही मौके मिले हैं, चांसेस मिले हैं. आई थिंक आई बीन लकियर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल. Maybe if I compare them to other people who are more successful than me, then I would be a fool. But I'm very happy where I am. So I don't think I'd trade places with anyone else, except maybe Bill Clinton. Okay, Rishma, it was lovely talking to you. And it's nice to end.
Well, thank you so much for having me here. Thank you all for being witness to us, our nonsense, and this goes on. I think, you know, we have this interaction going on all the time. लेकिन आपको भी मिलकर बड़ा मजा आया. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. एंड जो आपके व्यूअर्स जो है, आई होप दैट दे हैव एंजॉयड दिस इनसाइट इनटू अस. एंड सी यू सून. बाय.